एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन चुटकी में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आया हूं। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं आपसे उन गलतियों को शेयर करूं जो एक बैंकिंग स्टूडेंट एग्जाम्स के अंतिम दिनों में प्रिपेरेशन के दौरान कर बैठते हैं, क्योंकि मैं भी बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ा हूं। मैंने भी काफी पीओ के एग्जाम्स, बैंक क्लर्क पीओ के एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं इस क्षेत्र में आपका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूं। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक अलग तरह का फीलिंग होगा, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास एक अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी और आप एग्जाम में अपना 100% देकर आ पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मैंने काफी स्टूडेंट्स में ये देखा है कि वो निरंतर अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, जो सीरियसनेस का लेवल होना चाहिए वो भी नहीं होता है। वे स्ट्रिक्टली अपने टाइम को अलग अलग सेक्शंस की तैयारी में नहीं लगाते। इवन कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसा होता है कि स्टूडेंट टाइम टेबल और सेक्शनल प्रिपेरेशन के लिए अलग शैली तो बना लेते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते हैं। वे दे आर लाइक चलता है यार, कल कर लेंगे, और फिर कुछ अपना ऐसा ही एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन ऐसा एटीट्यूड एग्जाम के दौरान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे आपकी तैयारी नहीं हो पाती और आप अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो चलिए तीसरी गलती की ओर बढ़ते हैं। मैंने ये चीज बहुत नोटिस की स्टूडेंट्स में कि लोग अपने आप को अपने दोस्त, संबंधी और दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, और ये भावना एग्जाम्स के दौरान कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिसके कारण आप नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है और आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जो माइंडसेट होता है, अलग तरह का माइंडसेट होता है, उनके कुछ अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ वीकनेस होती है, तो सब में विभिन्नताएं होती है। वो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना तुरंत बंद कर दें, बिल्कुल रोक दीजिए, क्योंकि इस बात पे ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर कुछ अपने आप को कंपेयर ही करना चाहते हैं तो अपने बीते हुए कल से करें, क्योंकि ये इसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रोग्रेस में हैं। आप ये देखिए कि कल आपको कितना आता था, आपने क्या नया सीखा और आज आप कल से कितना ज्यादा जानते हैं। इसलिए दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने कल से कंपेयर करें और बिल्कुल भी कंसंट्रेशन को भंग ना होने दें। तो चलिए छात्रों के द्वारा आमतौर पर अगली गलती की ओर बढ़ते हैं। एक और चीज जो मैंने देखी है कि वो है कि एग्जाम टाइम्स में लोग अक्सर ग्रुप स्टडीज के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग अकेले बैठकर ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस रिगार्डिंग मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप उसी तरीके को अपनाइए जो आपको बेस्ट सूट करे। दूसरों की देखा देखी ना करें कि मेरा दोस्त कैसे पढ़ रहा है या फिर दूसरा कैसे कर रहा है तैयारी। अगर आप ग्रुप स्टडीज करते ही हैं तो उन दोस्तों के साथ करें जिनसे आपको फायदा हो। ऐसा ना हो कि वहां आप जाएं लेकिन आप पूरी कंसंट्रेशन से वहां पढ़ ना सके, तो ये जो होगा वो एक टाइम का वेस्टेज ही होगा। इसलिए अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, आपके पास फ्रेंड्स की कमी है अच्छे फ्रेंड्स की, तो आप घर बैठ के अकेले ही पढ़ सकते हैं, उसी में ज्यादा फायदा है और उसी में आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। इसलिए जो आपको ठीक लगे, अगर वैसे फ्रेंड्स हैं तो आप ग्रुप स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, ग्रुप स्टडीज भी जो है वो काफी मददगार होता है बहुत सारे केसेस में। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। तो चलिए अगले मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं जो कि छात्र अक्सर करते हैं। अगली चीज जो मैंने छात्रों में अक्सर देखी है वो है कि जो छात्र एग्जाम टाइम में लोग डिस्कशन करने से बचते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं करते। इसका बहुत ही फायदा नहीं है, इससे आपको घाटा भी है। एग्जाम टाइम में आप दोस्तों के साथ किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, काफी हद तक आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, और ये भी हो सकता है कि उन टॉपिक्स की भी नॉलेज मिले जो आपका रह गया हो, आपने कहीं नहीं पढ़ा हो, आपको उस बारे में नहीं पता हो और आपके दोस्त को पता हो, तो उस बारे में भी आपको नॉलेज मिल सकती है। तो चलिए अगले मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं जो कि छात्राओं अक्सर
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस कभी रोके नहीं, खासकर जब एग्जाम्स नजदीक हो, तो ऐसा ना हो कि आपका जो है वो एक्साइटमेंट कम हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स का जो समय होता है वो काफी जरूरी होता है। इसलिए प्रैक्टिस को कभी रोके नहीं, खासकर जब एग्जाम्स नजदीक हो तो अपना पूरा फोकस पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने में दें। हालांकि मैं जानता हूं कि पैटर्न्स हर साल चेंज होते हैं, पर मैं बता दूं कि कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं, तो कंसेप्ट पे आप ध्यान दें। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस से आपके एक्यूरेसी में सुधार होगा, और जो है आप जितने अटेम्प्ट्स करेंगे वो आपका लगभग सही ही होगा। स्पीड तो बढ़ेगा ही, और जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में, इसलिए आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। और अब जो मैं आपको एक छात्र के द्वारा किए जाने वाले मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ, वो मुझे लगता है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और वो है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब गलतियां करते हैं तो फिर उससे सीखते नहीं है। गलतियां होती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, वो ऐसा उन्हें लगता है कि वो कभी आगे उसे फिर से देख लेंगे, फिर से उसमें सुधार कर लेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वो जब एक बार आगे बढ़ जाते हैं वो फिर पीछे देखते नहीं है कि मुझसे क्या गलती हुई थी, और वो पीछे ही रह जाता है। तो एक परीक्षार्थी के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अपनी गलतियों से सीखे। इसलिए आप अपनी गलतियों पर पूरा ध्यान दें, उन्हें छोड़कर कभी आगे न बढ़ें। अगर आपने पहले भी बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं तो याद करें कि उस समय आपने क्या क्या और कहां कहां गलतियां की थी। उन गलतियों से सीख लें और फिर देखिएगा आपकी एक्यूरेसी में 4 चांद लग जाएंगे। आप जितना अटेम्प्ट करके आओगे आपका 100% उसमें सही रहेगा। तो चलिए अगले मिस्टेक की ओर बढ़ा जाए। अगली जो चीज है वो है कि प्रैक्टिस के दौरान आप शॉर्ट ट्रिक्स का पूरा सहारा लें। ये आपके स्पीड को दोगुना तो कर ही देगा, और क्योंकि ये शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, इनमें ज्यादा आपको जो है सम या कैलकुलेशंस नहीं करने होते, तो इसमें गलतियों के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। खासकर मैथ्स में ये आपके काफी काम आएगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में काफी कैलकुलेशंस होते हैं, मैथ्स में वे काफी कैलकुलेशंस देते हैं, कंसेप्ट वाले जो बात नहीं होती है लेकिन कैलकुलेशन बहुत होते हैं, तो इसमें ये आपका जो है काफी मददगार होगा। और आप कम समय में, आधे से भी कम समय में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसे सही सही बना सकते हैं। इसलिए ट्रिक्स, जहां भी ट्रिक्स मिले ट्रिक्स के लिए जाएं, और देखिए नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि जो ट्रिक्स कैसे किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, किसी पैटर्न वाले क्वेश्चंस को कैसे आप ट्रिक्स के बेसिस पे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दें और उस ट्रिक्स को यूज करें अपने प्रैक्टिस में। बिना यूज किए उसे नहीं जाएं, क्योंकि उसमें फिर गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। इसलिए आप उसका भली भांति पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करें, उसके बाद एग्जाम के दिन उसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने वो सारी गलतियों के बारे में आपको बता दिया है जो मैंने अपने समय की थी, और मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझे बताया करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, आप वो गलतियां नहीं करेंगे, और उन सारी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए उन सारी गलतियों को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे, और एग्जाम्स के दौरान तो बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आप जरूर अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।